बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने में जुटी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजापारू प्रताप गौंड ने कुछ दिनों पहले बसपा ज्वाइन की थी। बीएसपी ने उन्हें घानापुर से टिकट दिया। इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता सुजाता सूर्यपल्ली भी करीमनगर से चेन्नूर विधानसभा से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में बसपा के लिए एक अच्छी खबर है। हैदराबाद कांग्रेस के दिग्गज नेता पी हरिश्चंद्र रेड्डी ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। बसपा के तेलंगाना प्रभारी सांसद वीर सिंह तथा गौरीशंकर उपासक के प्रमुख उपस्थिति में उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। बीएसपी ने उन्हें हैदराबाद के कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। हरिश्चंद्र रेड्डी की पत्नी पन्नाला काव्या रेड्डी हैदराबाद में कांग्रेस की पार्षद है। हरिश्चंद्र रेड्डी ने कांग्रेस की टिकट के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने बीएसपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरिश्चंद्र रेड्डी ने यहां से बीएसपी की टिकट लेने से मुकाबला काफी रोचक बन गया है। बीएसपी को उम्मीद है कि हरिश्चंद्र रेड्डी ककटपल्ली से विजय हासिल करके विधानसभा पहुंचेंगे।